मुरादाबाद अपने ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी उत्तरी विरोध में किया प्रदर्शन। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम ऑफिस के पास हिंदू युवा वाहिनी ने एसडीएम काठ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। ज्ञापन में एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की गई। जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। अनिल कुमार के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सर क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा, जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी मुरादाबाद। का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग? आज ये ऐसा हुआ, हम लोगों ने एक डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अभी बाबा साहब की जयंती पर कुछ दिन पूर्व में एक ग्राम छजूपुरा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित जी एवं वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके नेतृत्व में एक मूर्ति की स्थापना प्रशासन की देखरेख में की गई, जिसमें मौके पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे, सीओ कांठ भी वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद इन लोगों ने एक नोटिस जारी किया मोहित जी के खिलाफ में और ग्राम प्रधान और बाकी 6-7 लोग और रहे, बाकी कुछ लोग अज्ञात में, कि आप इस मूर्ति को हटवाओ और अन्यथा हम इस पर मुकदमा लिख देंगे। उन्होंने इस पर तत्काल मुकदमा लिख दिया है और आज हमने डीएम साहब से अपनी मांग रखी है, ये मुकदमा एकदम तुरंत कैंसिल होना चाहिए, वरना हिंदू युवा वाहिनी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति थी वो, तो हाँ स्थापित की गई थी वो जयंती के उपलक्ष्य में। एसडीएम जगमोहन गुप्ता जी हैं जो कि कांट एसडीएम है। और हिंदू युवा वाहिनी आपत्ति ये दर्ज कराई गई क्योंकि बाबा साहब जो है वो संविधान के रचयिता हैं, वो हमारे आदर्श हैं और हर व्यक्ति उनको आदर्श मांगता है, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो या आम जनता हो। और आज जो एसडीएम साहब ने जो ये हरकत की है हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष जी पे मुकदमा लिखकर, इसको हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से बात करेंगे और पूज्य महाराज जी तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि आज वो भूल चुके हैं एसडीएम साहब कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः भगवा लहरा चुका है, समस्त हिंदू समाज एक हो चुका है, क्योंकि समस्त हिंदू समाज ने एकजुट होकर पूज्य महाराज जी को वोट दिया है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी आज भी समाजवादी मानसिकता के हैं, जो आज भी ये विचारधारा रखते हैं, अंग्रेजों की जो विचारधारा थी कि कभी भी दलित समाज को एक ना होने दिया जाए, क्योंकि आज हिंदू समाज एक हो चुका है, इसको लेकर आज भी कई लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। किन किन को दोषी मानेंगे आप? इसमें एसडीएम साहब ने अपनी मर्जी से मुकदमा लिखवाया है। क्या नाम है? जगमोहन गुप्ता जी, कांट जो ये कांट एसडीएम है और लेखपाल। पुलिस का क्या रोल रहा इसमें? पुलिस ने उसमें उनके आदेश के अनुसार मुकदमा लिखा है और एसडीएम साहब उसमें खुद पार्टी बने हैं, उनकी तरफ से मुकदमा लिखाया गया। हिंदू युवा वाहिनी क्या चाहती है? हिंदू युवा वाहिनी ने डीएम साहब से ये मांग की है ये मुकदमा तत्काल रूप से कैंसिल किया जाए, अगर ये मुकदमा कैंसिल नहीं होता हिंदू युवा वाहिनी आंदोलन भी करेगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन व अन्य भुगतान न करके उत्पीड़न किए जाने के संबंध में मंडलायुक्त महोदय को एक ज्ञापन। प्रार्थी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण दिनांक 19 अक्टूबर 2021 को प्रार्थी की कैलाश हॉस्पिटल में बाईं टांग काट दी गई। वह शरीर की अन्य जांचों में पता चला कि प्रार्थी दिल व दोनों पैरों की नसें ब्लॉक हैं। प्रार्थी पशुपालन विभाग में सन 1984 जुलाई महीना से रामपुर बिजनौर व मुरादाबाद में 37 वर्षों से अधिक अपनी सेवा अपने विभाग में कर चुका था। प्रथम बार 26 अगस्त 2021 को अपने सक्षम अधिकारी से अग्रसित कराते हुए अपनी व अपने परिवार की सहमति से अपनी बीमारी व आर्थिक स्थिति दर्शाते हुए स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र श्रीमान उपर निर्देशक ग्रेड 2 अधिकारी को प्रेषित किया गया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। नितिन तुरैया के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मैं रंजीत सिंह काका, इधर देख के जी। मैं रंजीत सिंह काका पशुपालन विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत करता चला आ रहा था। लगभग 37 साल से ऊपर मैंने पशुपालन विभाग में अपनी सेवाएं दी और मेरी 37 साल की सेवाओं के उपरांत मेरा जो शोषण हुआ उसको मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता।
37 साल की सेवाओं में तो मुझे स्थायीकरण किया जाता है, जबकि 3 साल में गवर्नमेंट की नियमावली है, सुप्रीम कोर्ट की नियमावली है कि 3 साल अगर कोई भी कर्मचारी कंटिन्यूस काम कर लेता है तो उसको स्थायीकरण कर दिया जाता है। लेकिन मुझे 37 साल की सेवाओं के बाद में मुझे 22 फरवरी 2022 को मुझे स्थायीकरण किया जाता है। आजकल एक मुहिम चल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि नौकरियों को छोड़िए। मैंने 3 बार PRS का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र दिया, 2 बार जिसको अधिकारियों ने खारिज कर दिया बिना किसी मतलब के, सिर्फ मुझे परेशान करने की वजह से। लास्ट में जब मेरी ज़्यादा ही उनसे जिनको बहस हुई तो 28 फरवरी को मुझे सेवानिवृत्त किया गया, और सेवानिवृत्त करने के बाद में मुझे भुगतानों के लिए मुझे और मेरे परिवार को इतना क्या नाम है परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि पूछो मत। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपकी नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र लेके आइए जब तक आपका कोई भुगतान नहीं मिलेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन अधिकारियों से और गवर्नमेंट के आला अधिकारियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के पास में सर्विस बुक होती है, जो विभाग के पास में सर्विस बुक होती है, उसकी जिम्मेदारी पटल प्रभारी की होती है। अब पटल प्रभारी या अधिकारी हमसे कहें कि वो लेके आइए चीज़, तो ये एक बेतुकी बात होती है। आज किससे मिले आप? हम कमिश्नर साहब से आज मिले, बड़े ही अच्छी तरीके से, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान यहाँ से करवाएंगे। लेकिन वो जो दोनों ही पटल अधिकारी और पटल के क्या नाम है जो है बाबू हैं, लिपिक हैं, वो पूरी तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें भुगतान से वंचित करना चाह रहे हैं। 2.5 महीने हो चुके हैं पेंशन नहीं मिल रही है, 2.5 महीने हो चुके हैं ग्रेजुएटी नहीं मिली, 2.5 महीने हो चुके राशिकरण नहीं मिला, 2.5 महीने हो चुके हैं हमें अब बीमे का कोई लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण क्योंकि मैं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, 3 नलियों की ब्लॉकिंग आई है क्या नाम है जाँच में, मेरे पैरों की नसें भी क्या नाम है ब्लॉक है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मुरादाबाद के मजौरा थाना क्षेत्र स्थित एक युवती को प्रेम प्रसंग के चलते आसिफ मोहम्मद नाम के लड़के ने हिंदू नाम आंसू बताया और लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। लड़का अभी जेल से बाहर आया है और लड़की को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने और ना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रार्थनी काफ़ी डरी हुई है और उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः प्रार्थना है कि उक्त आसिफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए आसिफ को गिरफ्तार किया जाए। जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। नितिन तुरैया के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा लव जिहाद है, और जब नाम उसका आसिफ है, उसने मुसलमान नाम ना बताते हुए आंसू नाम बताया, हिंदू लड़की को झांसे में लिया, उससे शारीरिक संबंध बनाए, उसके गर्भाशय में संतान को भी ठहराया, बाद में उसका अबॉर्शन कराया, और जब उसने शादी करने को कहा तो कहता है या तो धर्म परिवर्तन कर या तुझे मैं मार दूंगा। तो सीधा सीधा लव जिहाद है ये। क्या मामला है आप कप्तान साहब के वहाँ आए हैं? मैं कप्तान साहब के यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि एक लड़के से मेरा फेर था, और उसके बाद मैंने उस पर पुलिस कंप्लेंट भी की थी, उसे गिरफ्तार भी करा गया था, मगर उसको अब छोड़ दिया गया, बस इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पर। पाक बढ़ा। क्या नाम है? आसिफ मोहम्मद। आसिफ मोहम्मद। आपका जो धर्म है उसका धर्म अलग अलग है क्या? जी। आप क्या चाहती हैं? मैं इसको सजा करवाना चाहती हूँ। कितने दिन वो आपके साथ रहा? वो रहा था करीबन 1.5 साल। किस किस तरीके का आपको जो है आश्वासन दिया उसने? शादी का आश्वासन। अब क्या कहता है? अब बोलता है कि मैं अगर तुमने कहीं भी बात बताई या कुछ भी करा तो तुम्हारी फोटो वीडियो वायरल करूँगा और तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, काम नहीं करने दूंगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।